सभी को मेरा प्रणाम। मेरा पंथ अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अरे नए दिन की शुरुआत है, नए ब्लॉग के साथ मैं जा रहा हूँ यानी कि जजमानी में। तो आप में थैला लट्ठी देखिए, मैंने मेरे चैनल में वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं पहुंच चुका हूँ बालागुचा, सीधे बालागुचा से जाऊंगा अब यानी कि टॉप ऊपर टॉप की तरफ जाना है। टॉप में यानी पोखरी बोलते हैं ऊपर, वहाँ पर जाना है मेरे को। देखो चलता हूँ आराम से। चलती चलती नहीं पड़ता है। लालू भी जल्दी खाना उसे देखो। तो ये मार्ग इससे थोड़ा पैदल आज निकाल थोड़ा घूम के आते हैं। आज मैं जा रहा हूँ पंडिताई में, इस साइड से पंडिताई में जा रहा हूँ। तो देखिए मल वल भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो चढ़े तो जाना ही पड़ेगा कहीं। हाँ तो मैं जोंक का बचाव भी नहीं किया मैंने, कितना जोंक लग जाएगा कहीं से। ये शानदार लोकेशन देखिए यहाँ से, तो घर ये देखिए शानदार दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से लोकेशन देखिए, सीधे चढ़ाई चढ़ाई से चढ़ते हुए जाना पड़ता है ना। ये देखिए पैदल, ये तो है ही फायदा पहाड़ में, पहाड़ से जाने का ना। तो पैदल चढ़ाई तो करनी पड़ती है थोड़ा थोड़ी बहुत। तो देख सकते हैं मार्ग, मार्ग से होते ही जा रहा हूँ, रास्ता देख सकते हैं। ये चढ़ाई भरा हुआ रास्ता, तो देखिए रास्ते से जाते हुए मैं भी Thank you.
तो मैं पहुँच चुका अभी, पहुँचने वाला हूँ जस्ट यहीं पर। तो देख सकते हैं आप इस रास्ते आए मैं, तो यहाँ का तो रोड डाल दिया, पहले यहाँ इस साइड के लोग भी पैदल आया करते थे यहीं से। तो देखिए साठ फुल सी है बहुत, तो पहले के लोग यहाँ से इतना ही पैदल आते थे गंगुलियाट की तरफ, और पिथौरागढ़ की गाड़ियाँ पकड़नी हो तो यहीं पर पकड़ते थे बालाकुचा में। तो जाकने आने के लोग तो अभी पढ़ने वाला हूँ कुछ ही है, माँ वैष्णो देवी माँ का मंदिर भी है, शिवालय भी है वहाँ पर। तो निकलता हूँ वहीं को। तो अभी देख सकते हैं इस मार्ग से होते हुए जा रहा हूँ कि तो रास्ते में दिखाई होगा आपने। तो अभी कुछ समय में पहुँचने वाला हूँ, फिर पैदल 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 मार्च करना पड़ा है मेरे को। तो देख सकते हैं खूबसूरत बांस का जंगल, पूरे बांस का जंगल है ये देखिए। वो हमारे पोखरी की साइड की पहाड़ियाँ भी दिख रही होंगी आप सभी लोगों को, ये देखिए। पढ़ने वाला हूँ यहाँ पर मैं अभी, थोड़ा ये है पहुँच ही चुका हूँ। तो मैं पंडिता से निकल चुका हूँ अभी, हाथ में पकड़े थैले और ये लाठी भी है। तो अब सीधे सीधे जाते हैं घर की ओर, थोड़ा पैदल भी जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ेगा बालाकुचा की तरफ जाऊँगा पैदल। अभी तो हाथ में भारी हो रहा है, तो अभी क्लिप बनाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। देख दे देखिए इधर से आया मैं अभी इस वाले से, यहाँ से मेरे को जाना है बालाकुचा की तरफ। देख सकते हैं बांस का पूरा सा जंगल, देखिए यहाँ मकान भी है दो चार रास्ते में, तो ये खूबसूरत पहाड़ी। तो देखिए नीचे रोड में जाना है। तो मैं पहुँचा हूँ अभी आधे रास्ते में, देख सकते हैं मार्ग ये संकीर्ण मार्ग नीचे का भी, ये ऊपर साइड का भी देख सकते हैं मार्ग दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। तो थोड़ा संकीर्ण मार्ग ऊपर साइड का भी है, तो मैं आधे रास्ते में ही पहुँचा अभी यहाँ पर। ये देखिए रास्ता, तो पहले से भामा जाखनी वाले इसी रास्ते से आते थे, देख सकते हैं। अब तो रोड चली गई ना, तो जैसे जैसे आना जाना कम ही रहता है लोगों का। मैं गया था अभी पंडिताई में इधर, तो इसी वजह से देखिए शानदार उबर जंगल, जोरदार बांस का जंगल उर्खा है देखिए। तो देखिए तो आगे मैंने सुबह से लोगों को ये नज़ारा दिखाया था, तो ये देखिए। तो ऊपर टॉप, ऊपर यानी कि टॉप में लगभग टॉप ही गया था मैं लगभग, देख सकते हैं इधर से तो टॉप में ही है और दिखाई दे रहा है आप सभी लोग को। तो थकान लग चुकी है मेरे को भी, तो इसी रास्ते से गया था ऊपर। देखो आप इसमें तो ख़राब है, आप सभी लोगों को मैंने दिखाई, ये रोड में पहुँचने वाला ही हूँ बालाकुचा। नीचे रोड थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है आप सभी लोग को, ये शानदार लोकेशन जो आगे दिखाई तेरा नज़ारा वो गंगुलियाट कुंजनपुर का है, के तरफ का नज़ारा। तो देखिए शानदार खूबसूरत एरिया ये देख सकते हैं, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों का नज़ारा लीजिए आप भी, अभी आनंद उठाइए पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे का। तो देखिए अभी कोई गाड़ी मिलती है तो ठीक है, गाड़ी में बैठ के फिर निकलता हूँ मैं। ये देखिए मैं हूँ अभी नेशनल हाईवे के किनारे, तो बैठा हुआ हूँ बालाकुचा के सीधे रास्ते में। तो देख सकते हैं ये देखिए अभी रास्ते में खड़ा हूँ, तो गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे आ चुका है पसीना, तो देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है मुझे अभी। तो कोई गाड़ी मिलती है तो गाड़ी को देखता हूँ, आवाज़ें तो आ रही है बता नहीं, गाड़ी भी ख़तरनाक आई है ना। तो देखते हैं कोई गाड़ी आते, तो पसीना भी हो गया मेरे को, तो थकान लग गई मेरे को। यहाँ से गंगोरी घाट लगभग 2 किलोमीटर है हमारे वहाँ तो घर, फिर 6 × 13 = 15 किलोमीटर और जाना है मेरे को अपने घर। तो बहुत ही नींद भी लग रही है मेरे को भी, अभी यहाँ पर रुक जाता हूँ थोड़ी देर, कोई गाड़ी आती है गाड़ी में निकलता हूँ गंगोरी घाट में। देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, यहाँ से पोखरी भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप ये देखिए शानदार नज़ारा। देख सकते हैं पाली पोखरी का गांव भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो देखिए शानदार ये देख सकते हैं ये कोठरा, तो
लास्ट में पोखरी भी दिखाई दे रहा है। इतने दूर अभी तक जाना है, ये देखिए मार्ग। तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी पोखरी मार्केट पर, यानी कि रामलाल ताली में जा रहा हूँ अभी। तो रामलीला तालीम चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर, यहाँ पर रामलीला का प्रांगण है पूरा, ये देख सकते हैं यहीं पर रामलीला होती है। तो सभी लोग बैठे होंगे यहाँ पर, दिखाएंगे सभी लोग को, आप सभी लोगों को ये। तो रामलीला तालीम स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग बैठे हुए हैं, ये बाजे पर मानसून भाई, ये नादा तबले पर, और ये गाना गाएंगे। इतने सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं जय श्री राम। तो मैं भी पहुंच चुका हूं घर। तो आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा, तो मैं गया था पंडिताई में, गया था यानी कि जाखनी, जाखनी गया हुआ था तो पंडिताई में। तो जाखनी यानी कि पोखरी का एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तोक होता है, तोक हुआ पोखरी, तो वहीं गया हुआ था। तो आप सभी ने देखा ही होगा, तो चढ़ाई चढ़ते 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 हालत ख़राब हो गई मेरी, तो बड़ी थकान जैसी हो रही है, पैरों में भी दर्द हो रही है मेरे आज। तो आज इसमें तो बड़ी आफत आ गई थी, मेरे को पैदल आना पड़ा गंगुली हाट तक पूरा, बाला को जैसे गाड़ी में तो नहीं आया पैदल आना, गंगुली हाट से फिर गाड़ी मिल गई थी, तो पिथौरागढ़ जाती है गाड़ी, तो उनकी गाड़ी में मैं सीधे आ गया था घर की ओर वहीं से। तो वो पोखरी, फिर मैं चौपता पहुँचा, तो चौपता से फिर तालीम शुरू हो रही थी हमारी वहाँ, तो तालीम शुरू हो गई थी, तो तालीम में गया। फिर उसके बाद आप सभी लोगों ने देखी होगी कि तालीम का आनंद। तो आजकल रामलग के तालीम चल रही है, आप तो सिलेक्शन भी कर दिया है, तो रामलग में जो पात्र हैं उनका सिलेक्शन भी कर दिया। कल जो
एक्टिंग से करेंगे, वो एक्टिंग भी करेंगे कल पूरी, तो आप सभी को वो भी दिखाई जाएगी कल तालीम, रामलीला तालीम पोखरी की। तो मैं आज कल रोज़ रोज़ रामलीला तालीम दिखा रहा हूँ आप सभी लोग को, जो भी हमारे यहाँ से दिल्ली, हल्द्वानी और खटीमा, यानी कि जो यहाँ से बाहर अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं, तो उन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि रामलीला में ज़रूर आइएगा यहाँ, यानी कि आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ रामलीला तालीम आज, तो आप आनंद उठाइए उन वीडियो का, और अधिक से अधिक उन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा उन वीडियो को। तो मैं सोने की तैयारी, सो जाता हूँ अब, तो सोने की तैयारी हुई, नींद भी आ रही है, देखते हो थकान भी हो ही रही है मेरे को बहुत। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लेट पर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा प्रणाम, शुभ रात्रि।